Hi students, myself Debodatt Sahu. Welcome to DS Economics Channel. तो आज आम स्टार्ट करवा 51 क्वेश्चन लु यहाँ आम डिस्कस करूचे को क्वेश्चन तो 2018 मसीहार इकोनोमिक्स क्वेश्चन तो यहाँ आमर पार्ट थ्री रही कहीं आम पार्ट वन ले 1 लु 25 क्वेश्चन डिस्कस कर सारे पार्ट टू रे 26 रु 50 क्वेश्चन डिस्कस करते आज पार्ट थ्री डिस्कस करवा 2018 रो आउ 2021 ले ऑलरेडी मु माने चारटा पार्ट रे ताकु कवर कर देजी प्लेलिस्ट रो थिबो तो जाकि समस्ते देखिदेव आउ जो माने चैनल को नुआ आसीछ सब्सक्राइब कर दियो आउ जो माने माने फास्ट ए भिडियोटा देखुछ तो ऑलरेडी या पूर्व दुटा भिडियो अपलोड हो सारी से देख आउ प्रीवियस ईयर 21 रो भी हो सारी से देखिब आउे ये कम्प्लीट है आउ गोटे तो ईयर आम 2016 अच्छी से कभर करदे आउ ऑलरेडी आम माइक्रो माक्रो एंड आउ गोटे कवर होमर एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स तीन टा कवर आहुरी भी आग को मो अदर पेपर रे सब क्वेश्चन आनबी तो सब चैनल रे अपडेट रो आराम से सब किसी जिनस पाइपर तो चलतु स्टार्ट करवा आज माने 51 क्वेश्चन तो यहाँ 51 क्वेश्चन दे लियोन्टी पाराडक्स इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन तो लियोन्टी पाराडक्स को ऑब्जर्वेशन बेस कर द यूएस इज रिलेटिवली कैपिटल अबंडेंट बट यूएस एक्सपोर्ट टेन टू बी रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव ना सेकेंड रे कहला द यूएस इज रिलेटिवली कैपिटल अबंडेंट बट यूएस इंपोर्ट्स टेंड्स टू बी रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव ना सी नंबर रे अच्छी द यूएस इज रिलेटिवली लेबर अबंडेंट बट यूएस इंपोर्ट्स टेंड्स टू बी रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव ना डी रे ऑप्शन देला द यूएस इज रिलेटिवली कैपिटल अबंडेंट बट यूएस इंपोर्ट्स टेंड्स टू बी रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव तो ये जो चारिटा कॉन्सेप्ट देला जे लेबर आउ कैपिटल अबंडेंट किए हबो आउ किए लेबर आउ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करिवो तो एटा आमर लियोन्टीफ मॉडल मन रखिबो लियोन्टीफ मॉडल रे आमर लियोन्टीफ मॉडल रे कोन हेतिला ना गोटे होची आमर कोन लेबर इंटेंसिव आ गोटे होची कैपिटल इंटेंसिव आउ गोटे हूँ लेबर एबंडेंट कंट्री आउ गोटे हूँ कैपिटल एबंडेंट कंट्री तो यही चार्टा कनसेप्ट को भलसे बुझा दरकार तो लियोन्टीफ मॉडल सी कहते रिवर्सटा हम जीए कैपिटल एबंडेंट कंट्री अच्छी माने जहाँ पाखे कैपिटल अधिक माने कैपिटल प्रचुर मात्रा रे अच्छी सीए कौन करिवो ना कैपिटल एबंडेंट कंट्री जी सी कैपिटल एबंडेंट गुड्स को प्रोड्यूस करिवा कथा एंड सेटा सी एक्सपोर्ट करिवा कथा किंतु लियोन्टीफ अलग कहते लियोन्टीफ कहले कौन जहाँ पाखे कैपिटल एबंडेंट कंट्री सीए लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करिवो आउ जी लेबर एबंडेंट कंट्री माने जो जो देश रे लेबर अधिक अच्छी ना लेबर अधिक सी लेबर इंटेंसिव गुड्स को कौन करिवो ना एक्सपोर्ट करिवो आउ कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करिवो तांकर कांसेप्ट रिवर्स थिला रिवर्स माने आमे पढ़ते जो हेक्सर ऑयलिन थियोरी रे आमर हेक्सर ऑयलिन थियोरी जो थिला एचओ थियोरी सेथरी से डायरेक्ट रिलेशन देखौतले जे लेबर एबंडेंट जे कंट्री से तार लेबर इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करिवो जे कैपिटल एबंडेंट जहाँ पाखे कैपिटल अधिक अच्छी से कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करिवो सेटा एचओ थियोरी रे आमे पढ़ते हेक्सर ऑयलिन रे किंतु लियोन्टीफ होती रिवर्स लियोन्टीफ हेक्सर ऑयलिन जहाँ कहते तार जस्ट अपोजिट कही लियोन्टीफ तो से अनुसार आम देखा जे लेबर एबंडेंट माने लेबर जहाँ पाखे अधिक अच्छी सी कौन करवा दरकार लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करवा दरकार आ जहाँ पाखे कैपिटल अच्छी सी कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करवा कथा किंतु लियोन्टीफ अलग कहले तार जस्ट रिवर्स तो ये ऑप्शन ले आम देखा कौन कौन अच्छी फास्ट देख फास्ट ऑप्शन अच्छी द यूएस इज रिलेटिवली कैपिटल अबंडेंट माने कौन यूएस पाखे अधिक कैपिटल रही बट यूएस एक्सपोर्ट्स टेंड्स टू बी रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव तो से कहले यूएस रो बट यूएस एक्सपोर्ट यूएस पाखे कैपिटल इंटेंसिव कैपिटल अबंडेंट कंट्री यूएस अच्छी तो यूएस एक्सपोर्ट्स टेंड टू बी रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव तो रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव माने जहाँ कैपिटल अधिक से कैपिटल को अधिक कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करिवो एटा कौन डायरेक्ट रिलेशन एटि भी कैपिटल अच्छी एटि भी कौन रहा कैपिटल अच्छी तो दुटा जाक कैपिटल कैपिटल डायरेक्ट रिलेशन रहिले माने कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करुछि से कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करिवो तो एटा तो आमर किए कहते
हेक्सोरोइलिन कहते तो ये थीअरीटा ना यहाँ हेक्सोरोइलिन थीअरी हेक्सोरोइलिन डायरेक्ट रिलेसन एस्टाब्लीश करते कि आमर लियोनटिप रिभर्स कही तो यहाँ हेनी एटा हेक्सोरोइलिन जदि तेल फास्ट अप्सनटा ठीक होता तो आम सेकेंड अप्सन को जी सेकेंड अप्सन में देखा कौन से कही सेकेंड अप्सन में कहला देख ये द यूएस इज रिलेटिवली कैपिटल अबंडेंट माने यूएसटा कौन ना कैपिटल अबंडेंट कंट्री माने कैपिटल तापाखे अधिक अच्छे बट यूएस इंपोर्ट्स टेन्स टू बी रिलेटिवली कैपिटल इंटेंसिव किंतु से कौन कहूँ यूएस इंपोर्ट करिबो को टाइप ना कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को इंपोर्ट करिबो तो इटा ताले कहार कनसेप्ट हम ये इंपोर्ट कथा कहे आम एक्सपोर्ट को लेकिन जी मैंने धर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है कैपिटल अबंडेंट कंट्री अच्छी ताले से कौन करवा दरकार ना कैपिटल को कौन करवा दरकार ना एक्सपोर्ट करवा दरकार है कैपिटल को एक्सपोर्ट करवा दरकार आ कैपिटल एक्सपोर्ट करिबो किंबा आम कहीपर कौन कर ना लेबर को इंपोर्ट कर इंपोर्ट जदि कर लेबर इंटेंसिव माने गुड्स को से इंपोर्ट कर किंतु एटी देछि इंपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव तो सीए कैपिटल अबंडेंट कंट्री है थी वो कैपिटल तापाखे अधिक अच्छी किंतु से सेथिरे भी से इंपोर्ट करुच्छी से कैपिटल इंटेंसिव तो यहाँ दुटा जाक रिभर्स हो ना तो से एक्सपोर्ट करने कथा तो रिभर्स मैंने कौन उल्टा कनसेप्ट किए दे लियोनटिप तो लियोनटिप रिभर्स कनसेप्ट दे तो ये लियोनटिप्र कनसेप्टा हो तुम्हें गोटे को मन रखिले खाली एक्सपोर्ट कथा मन रख इंपोर्टा तार जस्ट रिभर्स हे मैंने जी कैपिटल अबंडेंट कंट्री से कैपिटल को एक्सपोर्ट कर ये कैपिटल एक्सपोर्ट साइड में लिखिदेव कैपिटल एक्सपोर्ट कर जी लेबर अबंडेंट कंट्री से लेबर को एक्सपोर्ट कर आउ अदर हेले तार रिभर्सटा हो तो ये से कौन इंपोर्ट करुच्ची किंतु माने इंपोर्ट करुच्ची कौन कैपिटल पाखरे कैपिटल अच्छी से इंपोर्ट कर कैपिटल ये दुटा जाक रिभर्स कहीं से तो सही कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करा तो इंपोर्ट कर मैंने यार लियोनटिप कहते या द्वारा भी लाभ हम जी माने जो गुड्स रे अधिक से जदि से भी इंपोर्ट कर लाभ हम कि हेक्सोरोइलिन अलग कहते जी जो थे एबंडेंट अच्छा से मैंने से गुड्स को एक्सपोर्ट कले लाभ हम आउ अदर गुड्स को से मैंने इंपोर्ट करेंगे तो कनसेप्ट दु जन डिफरेंट थी तो आम यहाँ अप्सनटा तो मान चलो सेकेंड अप्सन ये रईट हो लियोनटिप पाराडक्स अनुसार हेक्सोरोइलिन होते फास्ट अप्सन ठीक होता आउ लियोनटिप हेले यहाँ सेकेंड अप्सनटा करेक्ट हे तो कनसेप्ट बुझीगले आराम से तुम इजिली डिस्टिंग्विश कर कौटा कौन रहीपर 51 गला 52 क्वेश्चन को आसवा 52 क्वेश्चन अच्छी जे द ट्रेड थीअरी बेस्ड अन् स्केल इकोनोमिक्स एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाज डेवलप्ड बाय तो आमर ये जो स्केल इकोनॉमिक्स आउ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो कनसेप्टा थिला सेटा किए डेवलप करते जगदीश भगवती जोसेफ स्टिग्लिज पॉल कुर्गमैन अविनाश दीक्षित तो राइट ऑप्शन कौन है जीवो को तो ये आम ऑलरेडी जो जगदीश भगवती जो इमर्सराइजिंग ग्रोथ थ्योरी से यहाँ हेनी तापर आउ कौटा जाणीचे ये जो स्टिग्लिज आउ दीक्षित इफेक्ट आम जो फास्ट क्वेश्चन था भेबलेन इफेक्ट ता सहित आउ कौन कौन इनफेरियर गुड्स आमर गिफेन गुड्स आउ गोटे भेबलेन आउ गोटे जो स्टिग्लर दीक्षित क्वेश्चन गोटे थी ना फास्ट्रे तो सहीटे आम पढ़ी से अलग हम आउे रहीगले किए स्टिग्लिज आउ दीक्षित छाड़देले पर्ल कुर्गमैन तो यहाँ हम राइट ऑप्शन दे थियरी ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन स्केल इकोनॉमिक्स एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तो यहाँ ये जो यही अनुसार ट्रेडटा है से कनसेप्टा किए देते पॉल कुर्गमैन तो यहाँ कौ इयर देते मन रख 1979 रे तो यार इयरटा हो पॉल कुर्गमैन 1979 तो राइट ऑप्शनटा हो सी तापर एटा इंटरनेशनल ट्रेड रु आसी किंतु से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उपरे बेस करथले ट्रेड था तो सही ट्रेड थ्योरी माने उपरे आसुचे हो तो 52 रो राइट ऑप्शन सी हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 53 क्वेश्चन को आसीबा 53 क्वेश्चन रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अच्छा कोटा ट्रू अछि सेटा हमें देखिबा तो 1957 ट्रीटी ऑफ रोम फाउंडेड द EU माने होची यूरोपियन यूनियन एंड क्रिएटेड एंड कस्टम यूनियन
ना द 1957 ट्रीटी ऑफ रोम फाउंडेड द यूरोपियन यूनियन ना द 1957 ट्रीटी ऑफ रोम फाउंडेड द यूरो 1957 ट्रीटी ऑफ रोम फाउंडेड द यूरोपियन सेंट्रल बैंक तो ये सबुरे कमन अच्छे कौन 1957 ट्रीटी ऑफ रोम से कौन होता बोली पचार जे यूरोपियन सेंट्रल बैंक को फाउंड को मैंने प्रतिष्ठा करा ना यूरोटा को फाउंडेड होता प्रतिष्ठा होता ना ईयू होता ना आमर ईयू एंड कस्टम यूनियन होता तो आम जदि देखा जो तार कौन ट्रीटी ऑफ रोम सेटा जो होता ट्रीटीटा से एक्चुअली ट्रीटीटार नेम कौन थी ईईसी ट्रीटी बा यूरोपियन इकोनॉमिक ट्रीटी यूरोपियन इकोनॉमिक ट्रीटी तो सेटारे आठटा कंट्रीज को लेकिन होता है एट कंट्रीज ये टोटाल मिसी ये जो ट्रीटी रे यूरोपियन यूनियन ट्रीटी रे तो आठटा कंट्री मिसिकी से डिसाइड करते ट्रीटी ऑफ रोम रोम रे होता से ट्रीटी ऑफ रोम ताको कहुच्छी फाउंडेड द यूरोपियन यूनियन ईयू से फाउंड एस्टाब्लीश कर एंड क्रिएटेड एंड कस्टम यूनियन यहीटा ही तार राइट ऑप्शन जे से आमर से जो ट्रीटी रे 1957 रोम रे जो ट्रीटी होता से आमर ईयू यूरोपियन यूनियन करा एंड कस्टम यूनियन भी होता दुटा मानने यूरोपियन यूनियन आउ कस्टम यूनियन दुटा मिसिकी होता 1957 रो ट्रीटी रे तो राइट ऑप्शन हो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जी 54 क्वेश्चन को 54 क्वेश्चन रे कहे जे अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पेरिटी बा पीपीपी थ्योरी आमे ऑलरेडी माने से जो ट्रेड से इंटरनेशनल ट्रेड रू क्वेश्चन आसी तो से पीपीपी थ्योरी रे कौन हुए से देसी चारटा ऑप्शन तो से अनुसार ऑप्शन को देखा कौन कौन अच्छी तो से फर्स्ट ऑप्शन देसी एक्सचेंज रेट मूव इमीडिएटली टू एक्जाक्टली ऑफसेट डिफरेंसेस इन नेशनल इन्फ्लेशन ना एक्सचेंज रेट इवेंचुअली मूव टू एक्जाक्टली ऑफसेट डिफरेंसेस इन नेशनल इन्फ्लेशन ना एक्सचेंज रेट इवेंचुअली मूव टू ऑफसेट टू सम एक्सटेंट डिफरेंस इन नेशनल इन्फ्लेशन ना एक्सचेंज रेट इवेंचुअली मूव टू ऑफसेट एक्जाक्टली डिफरेंसेस इन नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट तो आम ये जो परचेजिंग पावर पेरिटी रे कॉन्सेप्टा बुझा कौन जो परचेजिंग पावर पेरिटी कौन कहे परचेजिंग पावर पेरिटी मैंने कौन दुटा अलग अलग कंट्रीज थे दुटार परचेजिंग पावर सेम थी परचेजिंग पावर मैंने कौन किणवार क्षमता परचेजिंग पावर हूँ किणवार क्षमता जदि आम कह आम इंडिया नवा आ गोटे नहीं जा कौन सरी तो ठीक ये मुझे तो ठीक दुटा कंट्री को आम नवा सपोज इंडिया ने आ गए यूएसए ने आमेरिका ने तो इंडिया रे जब आम कह वन के जी राइस रो माने प्राइसटा रही 50 रुपीज रहा सेमती यूएसए रे यूएसए रे जब आम कह वन के जी राइस को सपोज पड़ा $1 है इंडियन रुपीज एटा एटा होची यूएसए रे डॉलर तो आमे कही परिबा जे $1 इज इक्वल टू इंडियन करेंसी रे 50 रुपीज हबो परचेजिंग पावर आमे कहिबा एटा कौन ना परचेजिंग पावर ऑफ $1 इज इक्वल टू परचेजिंग पावर ऑफ 50 रुपीज इन इंडिया जे परचेजिंग पावर ऑफ $1 इन यूएसए इज इक्वल टू परचेजिंग पावर ऑफ 50 रुपीज इन इंडिया एमती आम कही पारा से परचेजिंग पावर मैंने दुटा कंट्री रे अलग अलग कंट्री रे परचेजिंग पावर मैंने आम गुड्स को किणवार मानने गुड्स प्राइस अनुसार फिक्स करें से मानने से जिन टकर किणुचे आठ आम से जिन टकर किणवा से अनुसार परचेजिंग पावर को आम मापा तो सीटा कह जाए परचेजिंग पावर पेरिटी तो एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन देयर परचेजिंग पावर इज सेम इन ईच ऑफ द टू कंट्रीज तो सेटा आमर कनसेप्ट नवा तो यहाँ लॉन्ग रन कनसेप्ट गोटे तो ये देखा परचेजिंग पावर किंतु ऑप्शन रे तो से भाया किसी डायरेक्ट देनी किंतु ऑप्शन रे आम देखा देख फर्स्ट ऑप्शन टा यहाँ ही राइट ऑप्शन अच्छी फर्स्ट ऑप्शन जे एक्सचेंज रेट मूव इमीडिएटली एक्सचेंज रेट्स मूव इमीडिएटली टू एक्जाक्टली ऑफसेट डिफरेंसेस इन नेशनल इन्फ्लेशन एक्जाक्टली ऑफसेट डिफरेंसेस इन नेशनल इन्फ्लेशन माने जो प्राइस राइज होउछे एक्जाक्टली सेटा माने डिफरेंसटा सेम हम एक्जाक्ट सेम हम माने कौन इंडिया रे प्राइस राइज करके गोटे गुड्स जी इन्फ्लेशन हो तार प्राइसटा थी
ୟୁଏସ୍ରେ ବି ମାନେ ସେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ୟୁଏସ୍ରେ ବି ମାନେ ସେଇ ଗୁଡ଼୍ସର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆମେ କେତେ ଦେଖିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମେଜର୍ କରିବା, ଯେ ଯେମିତି କହିଲି ଇଣ୍ଡିଆ ରାଇସ୍ର 1 କେଜି ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେ, ୟୁଏସ୍ରେ କେତେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡଲର୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆର ରୁପି ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଇବା। ତ ଏଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅଫସେଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍। ତ ଏଇଟା ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ଟା ଏଇ ହିଁ ହେବ, 54ର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ତା'ପରେ 55 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା। 55 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଦେଲା ଦ ମେନ୍ ପଲିସି ଗୋଲ୍ ଫର୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ସେ ମର୍କେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ। ତ ମର୍କେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଗୋଲ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା, ମର୍କେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା। ତ ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମର୍କେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସାଇଟି ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ପଢ଼ିକି ଆସେ ମାଲଥସ୍ ଥିଓରି ପଢ଼ିଛେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଆମର ଏବେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲିଜିମ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ସବୁ ଅଛି, ମର୍କେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ବି ଥିଲା। ମର୍କେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମର୍କେଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ମାନେ ମନି ରିଲେଟେଡ୍ କନସେପ୍ଟ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ କେମିତି ଅଧିକ ହେବ, ମାନେ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ଆମେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ରୁ ଆସିଛି, ତ ଟ୍ରେଡ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେବ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିବ। ତ ମର୍କେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଭ୍ୟୁ ଥିଲା କ'ଣ, ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟାକୁ ଯେତେ ଅଧିକ କରିବେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟକୁ ଯେତେ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ଥିଲା, ଯେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟକୁ ଯେତେ କମ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମାନେ ନେଟ୍ ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ଅଧିକ ରହିବ, ତ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ଟା ତାଙ୍କର ସରପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ରହିବ, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତ ମର୍କେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ନେସନ୍ସ ୱେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ୱେଆର୍ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଭ ବାଇ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଫଲ୍। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଅଛି କ'ଣ, ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ନନ୍ ଟାଇମ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ତ ହେବନି। ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ଡେଫିସିଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ୍ ହେବନି, ସରପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ବି ହେବନି। ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସରପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ ଦ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ତ ସେମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗୋଟେ ସରପ୍ଲସ୍ ହେଉଥିବ, ତ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ବି ହେବନି। ତା'ପରେ ଡି ଅପସନ୍ ରହିଲା କ'ଣ, ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ସରପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ ଦ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ତ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ସରପ୍ଲସ୍ ହେବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ସରପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଚାଲିଥିବ, ସେ ସରପ୍ଲସ୍ଟା ଯେମିତି କମୁନଥିବ, ମାନେ କ'ଣ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟଟା ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଗ୍ରେଟର୍ ହେଉଥିବ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସବୁବେଳେ ଲାର୍ଜର୍ ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରହୁଥିବ, ମାନେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଧିକ ହେଉଥିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟଟା କମ୍ ହେଉଥିବ, ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ। ତ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ଟା ଡି ହେଇଯିବ, ମର୍କେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଥିଓରି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ସରପ୍ଲସ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ରହିବ, ଏଠି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ ସରପ୍ଲସ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ନୁହେଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ରହିବ। ତ ବହୁତ ଜଣ ଯଦି ଭଲସେ ମାନେ ଅପସନ୍କୁ ନ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଟିକ୍ କରିଦେବେ ସରପ୍ଲସ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଇଂ ସରପ୍ଲସ୍ ରହିବା ଦରକାର ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ। ତ ମର୍କେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟର ଥିଓରି ସେଇଟା ଥିଲା, ତ 55ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ 56 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା। 56 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି ଯେ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଫିକ୍ସଡ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ସ, ତ ଫିକ୍ସଡ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଇଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ। ତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ଧର ଆମର କହିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି ଆଉ ୟୁଏସ୍ ଡଲାର ଭିତରେ, ଯେ $1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 50 କି 60 ରୁପି କି $1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 70 ରୁପିଜ୍, ତ ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ରହିବ, ଫିକ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର କରାଯିବ ଏତିକି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ରହିବ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ଅନୁସାରେ କେଉଁଟା ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା, ଫିକ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଡିଭାଲୁଏସନ୍ କଜେସ୍ ଏ ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ମନି ସପ୍ଲାଏ, ନା ଡିଭାଲୁଏସନ୍ ହେଜ୍ ନୋ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ମନି ସପ୍ଲାଏ, ନା ଡିଭାଲୁଏସନ୍ କଜେସ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ସପ୍ଲାଏ, ନା ଡିଭାଲୁଏସନ୍ କଜେସ୍ ଏ ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍। ତ ଏଠି ସବୁଗୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଡିଭାଲୁଏସନ୍, ଡିଭାଲୁଏସନ୍ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଡିଭାଲୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଛି କନସେପ୍ଟ, ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ମାନେ ଭାଲ୍ୟୁଟା କମେଇ ଦିଆଯିବ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ର, ଇଏ ଜଷ୍ଟ ସିମିଲାର କନସେପ୍ଟ ଡିଭାଲୁଏସନ୍। ତ ଡିଭାଲୁଏସନ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିଜାଣି ତାଙ୍କର ନିଜର ମାନେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ କମେଇ ମାନେ କ'ଣ କରିବ, କମେଇଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ଧର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବ, ଯେ ଧର $1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଗରୁ ଧର ଥିବ କେତେ ନା 60 ରୁପିଜ୍ ଅଛି, ତ
ତାହେଲେ ଏବେ ସେଇ $1 ସେମାନେ ଆମ ପାଖରୁ ଅଧିକ ନେଇପାରିବେ, ମାନେ 80 ହେଇଯିବ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, 80 ହେଇଯିବ। ମାନେ ଆଗରୁ କ'ଣ, ସେମାନେ US ଲୋକ ସିଏ $1 ଦେଇକି 60 ରୁପିଜ୍ର ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରୁ ନେଉଥିଲେ, ଏବେ ସିଏ ସେଇ $1 ଦେବ କିନ୍ତୁ 80 ରୁପିଜ୍ର ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଯିବ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କାହାର ଲସ୍, ଇଣ୍ଡିଆର ଲସ୍। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଲସ୍, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ 60 ରୁପିଜ୍ ମାନେ $1 ସେ ଦେଇକି 60 ରୁପିଜ୍ର ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରୁ ନେଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ $1 ଦେବ 80 ରୁପିଜ୍ର ଜିନିଷ ନେବ। ତ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଲସ୍ ହେଉଛି ଡିଭାଲୁଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା। ମାନେ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଲାଗୁ କରାଇଥିବ ଡିଭାଲୁଏସନ୍, ମାନେ ତା'ର ମନିର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ସେ ମାନେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ କମ୍ କରାଉଥିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେପଟେ ମାନେ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏ ସିଏ ଆମ ପାଖରୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବ, ମାନେ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଢ଼େଇବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ଥିବ ଆମେ କେମିତି ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରିବା, ଆମର ମନି ସପ୍ଲାଏଟାକୁ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରିବା। ମନି ସପ୍ଲାଏ ବଢ଼ିବ ନା ଅବଭିଅସ୍ଲି। ତ 60 ରୁ 80 ହୋଇଗଲେ ମନି ସପ୍ଲାଏ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା $1 ସେମାନେ 60 ପାଉଥିଲେ, ଏବେ 80 ପାଉଛନ୍ତି, 20 ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ଡିଭାଲୁଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମନି ସପ୍ଲାଏଟା କ'ଣ ହେବ ନା ମାର୍କେଟରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ତ RBI ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରେ, ତ ତାଦ୍ୱାରା ମନି ସପ୍ଲାଏ ବଢ଼ିବ। ତ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଡିଭାଲୁଏସନ୍ କଜେସ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ମନି ସପ୍ଲାଏ, ଏଇଟା ତ ହେବନି। ଡିଭାଲୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଇଫେକ୍ଟ, ଏଇଟା ତ ହେବନି। ଡିଭାଲୁଏସନ୍ କଜେସ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମନି ସପ୍ଲାଏ। ତ ଏଠି ଆମର ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ସି, ମାନେ ଡିଭାଲୁଏସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନି ସପ୍ଲାଏର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବ, ଏଇଟା ମାନେ RBI ତା'ର ଆମର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିକି, ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଦେଖିକି, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେଟ୍ର ପୋଜିସନ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ କେତେବେଳେ ଡିଭାଲୁଏସନ୍ କରିବ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରାଯାଏ ତା ଉପରେ, ଯେ କେତେବେଳେ ଡିଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ମନି ସପ୍ଲାଏ କମିଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆମର ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋ ହେଉନି, ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମର ଡିଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯାଏ। ଡିଭାଲୁଏସନ୍ର ବି ଲସ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆମର ଅଧିକ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ ସେଇଟା ରିକଭର ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର 56ର ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ ସି, ଡିଭାଲୁଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ମନି ସପ୍ଲାଏଟା ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବ ବା ବଢ଼ିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 57 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା। 57 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଏ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସ୍ୱାପ୍। ତ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସ୍ୱାପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମିନିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପଟ୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ କରେନ୍ସି, ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ସେଲ୍ ହେବ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରିପର୍ଚେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେନ୍ସି, ନା ସିରେ ଦେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପଟ୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ କରେନ୍ସି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରିପର୍ଚେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେନ୍ସି, ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପଟ୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେନ୍ସି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ଫରୱାର୍ଡ଼ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେନ୍ସି। ତ ସ୍ପଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସ୍ପଟ୍ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସ୍ୱାପ୍, ତ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସ୍ୱାପ୍ର ଆଗେ ତା'ର ମିନିଂଟା ବୁଝ, ଯେ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସ୍ୱାପ୍ଟାର ମିନିଂଟା କ'ଣ, ନା ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସ୍ୱାପ୍ କ'ଣ, ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ ପର୍ଚେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ କରିବ। ତ ପର୍ଚେଜ୍ ସେଲ୍ ବହୁତ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହେବ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ ପର୍ଚେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟସ୍, ମାନେ ଏକାଭଳିଆ ଆମାଉଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ କରେନ୍ସି ଫର୍ ଏନଦର ୱିଥ୍ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଡେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେ ୟୁଜ୍ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଡେରିଭେଟିଭ୍। ତ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଡେଟ୍ସ ମାନେ ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସରେ ସେଇଟା ପର୍ଚେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ହେବ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ୍ ଏକାଭଳିଆ ଥିବ। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକ ଟାଇମ୍ରେ ସାଇମଲଟେନିୟସ୍ଲି କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ନା ପର୍ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ ହେଉଥିବ। ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପଟ୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ କରେନ୍ସି, ଖାଲି ସେଲ୍ ହେବନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରିପର୍ଚେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେନ୍ସି, ଖାଲି ରିପର୍ଚେଜ୍ ହେବନି। ତା'ପରେ ସିରେ ଅପ୍ସନ୍ ଥିଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପଟ୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ କରେନ୍ସି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରିପର୍ଚେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେନ୍ସି, ମାନେ ସେଲ୍ କରିବ ପୁଣି ରିପର୍ଚେଜ୍ କରିବ, ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ବାଇଣ୍ଡଲି ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଥିଲେ ହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସ୍ୱାପ୍। ତ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସ୍ୱାପ୍ରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହେଉଥିବ। ତ ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପଟ୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ କରେନ୍ସି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ଫରୱାର୍ଡ଼ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେନ୍ସି, ଏଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ଖାଲି ସେଲ୍ ସେଲ୍ ଦେଲା, ଆମର କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଦୁଇଟା ମାନେ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେଉଥିବ, ସେଲ୍ ହେଉଥିବ ପୁଣି ପର୍ଚେଜ୍ ହେଉଥିବ, ମାନେ ରିପର୍ଚେଜ୍ ସେଇଟା କହିବା, ସେଲ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କିଣିବାଟାକୁ କ'ଣ କହିବା, ରିପର୍ଚେଜ୍। ତ ଏଇଠି ହିଁ ଅପ୍ସନ୍ରେ ସିଟାରେ କେବଳ ଅଛି ସେଲ୍ ହେବ, ଏକା ଟାଇମ୍ରେ ବି ତାକୁ ରିପର୍ଚେଜ୍ ହେବ, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍ପଟ୍ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଏ କରେନ୍ସି କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଏ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରିପର୍ଚେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେନ୍ସି, ମାନେ ଏବେ ଆମେ ବିକିଦେଲୁ ସ୍ପଟ୍ ସେଲ୍ କଲୁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତାକୁ ପୁଣି ରିପର୍ଚେଜ୍ କରିବୁ ସେଇ କରେନ୍ସିକୁ, ସେଇଟା ବି ଅଲରେଡ଼ି ଡିଲ୍ଟା ହେଇଯିବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ଆମେ ଆଜି ବିକିଲୁ ଏତିକି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତାକୁ କିଣିବୁ। ତ ସେଇ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଫିକ୍ସ ହେଲେ ପର୍ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ରିପର୍ଚେଜ୍, ମାନେ ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପର୍ଚେଜ୍, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସ୍ୱାପ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ ସି, 57ର ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପର୍ଚେଜ୍, 57ର ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅପ୍ସନ୍। ତା'ପରେ 58 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। 58 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ସେ ଦେଉଛି ଯେ ଦ ସି ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ସି ଏ
ସିଏ କ'ଣ ନା ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ସେଇ ଟ୍ରେଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଆମର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ସେ କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସିଏ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି ମାନେ କନଜପ୍ସନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ତ ତିନିଟା ରହିବ, ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି ତ ତିନିଟାରେ ପ୍ଲସ୍ ରହିବ, ଆଇଦର ଏଇଟା ନହେଲେ ଏଇଟା ହେବ। ତ ସେଇଥିରେ ୱାଇଟା ଟୋଟାଲ ଆଉଟପୁଟଟା ସେଇଟା ମାଇନସ୍ କି ପ୍ଲସ୍ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଯିଏ ବି ଜାଣିନଥିବ ସିଏ ଜାଣିଛି କ'ଣ, ଯେ ଆମର ତିନିଟା ମାନେ କନଜପ୍ସନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ତିନିଟା ଯାକ ପ୍ଲସ୍ ହୁଏ, ତାପରେ ତା ସହିତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସେଥିରେ ମାଇନସ୍ କରାଯାଏ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଡେରିଭେସନ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଆଇଦର ବି ଓର ସି ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଅଛି ତ ତାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେଉଛି କେମିତି ସଲ୍ଭ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ, ଇନ୍ ଏନ୍ ଓପନ୍ ଇକୋନୋମି ୱାଇ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବା ଟୋଟାଲ ଆଉଟପୁଟ ହେଉଛି ଏଗ୍ରିଗେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବା ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାଇନସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବା ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏକ୍ସପୋର୍ଟରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦିଆଯାଏ। ମାନେ ସି କନଜପ୍ସନ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ତିନିଟା ପ୍ଲସ୍ ହୋଇକି ଥିବ, ତା ସହିତ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାଇନସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଦେବା, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାଇନସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବା ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଇଟା ଆମର ଓପନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ଟୋଟାଲ ଆଉଟପୁଟ ଏମିତି ଆସେ। ତ ସିଏ ବା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ ହୁଏ ନା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାଇନସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଯାହା ନେଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରହିଲା ସେଇଟା ହିଁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଡ୍ ହୁଏ। ତ ନାଉ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଅଛି, ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାଇନସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ। ତ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାଇନସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଦେବା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ନା ସିଏ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାଇନସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟଟା ହିଁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ସିଏ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟାକୁ ଧର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ସିଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ, କାହିଁକିନା ଆମର ୱାଇଟାକୁ ଦରକାର ଯେ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ କି ମାଇନସ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଏଠି ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜିଟା କ'ଣ ହେଇକି ଥିଲା ସିଏ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ମାନେ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ସିଏ, ତାହେଲେ ସିଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଯେଉଁ ୱାଇକୁ ୱାଇ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ୱାଇକୁ ୱାଇ ରହିଲା, ଏ ଯେଉଁ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି ଥିଲା ସେଇଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍କୁ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ୱାଇକୁ ୱାଇ ରହିଲା ମାଇନସ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି, ତାହେଲେ ସିଏ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ମାନେ ଆମର ଅପସନ୍ରେ ଥିଲା ବି ଆଉ ସି ଦୁଇଟାରେ ଥିଲା, ତ ସି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍। ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଅପସନ୍, ତ ଏଠି ଅପସନ୍ରେ ଦେଖ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି, ତ ଏଇଟା ହିଁ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଇଜି କନସେପ୍ଟ, ବେଶୀ ଏଠି ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଦେଇନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଲି ସିଏ ପଚାରି ଦେଇଛି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ। ତ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମାଇନସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେଉଛି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ହେଇକି ତାପରେ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଜି ହେଇଯିବ। ତ 58ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ସି। ତାପରେ 59 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା, ଏଇଟା ବି ଟିକେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି ଦେଇଛି ଇନ୍ ଏନ୍ ଓପନ୍ ଇକୋନୋମି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂ ବା ଏସ୍ପି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ଆଇ ମାଇନସ୍ ସି ପ୍ଲସ୍ ଜି ମାଇନସ୍ ଟି ନା ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ମାଇନସ୍ ଜି ମାଇନସ୍ ଟି, ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ସିଏ ପ୍ଲସ୍ ଜି ମାଇନସ୍ ଟି ନା ଆଇ ମାଇନସ୍ ସିଏ ମାଇନସ୍ ଜି ମାଇନସ୍ ଟି। ତ ଏଠି ଆମକୁ ମାନେ ତା'ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆଗେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ତାପରେ ଏଇଟା ତ ଫାଇନାଲ୍ ଏନ୍ସର୍ଟା ସେ ଦେଇଛି ଯେ କେଉଁଟା ହେବ। ତ ଏଇ ଓପନ୍ ଇକୋନୋମିରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂଟା କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେବ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂ କେମିତି କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂ ବା ଏସ୍ପି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂର ମିନିଂଟା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡସ୍ ହାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ଆଫ୍ଟର୍ ପେଇଙ୍ଗ ଦେୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ପେଇଙ୍ଗ ଫର୍ ଦେୟାର କନଜପ୍ସନ୍। ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆସିଲା, ଯେତିକି ଇନକମ୍ ଆସିଲା ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କର କନଜପ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ଯାହା କନଜପ୍ସନ୍ କରିବା କଥା କରିଦେଲେ, ଆଉ ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲା ଯଦି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଇନକମ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ ସେମାନେ। ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ କନଜପ୍ସନ୍କୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଯାଉଥିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂ। ତ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂ ମାନେ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ରୁ ଯେମିତି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ କନଜପ୍ସନ୍ଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା, ତ ଯାହା ରହିବ ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂ। ତ ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେଭିଂ ଏସ୍ପି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଟି ମାଇନସ୍ ସି, ତ ୱାଇରୁ ଟୋଟାଲ ଇନକମ୍ରୁ
कौन माइनस करवा टैक्स को माइनस करवा आ कंजप्शन को माइनस करवा तो एस पी इज इक्वल टू वाई माइनस टी माइनस सी एटा माइनस हम तो आम जानगले इन एन ओपन इकोनॉमी वाई इज इक्वल टू आम कौन जानचे जे टोटल इनकमटा केमती हुए सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट एटा रुहे फर्स्ट इक्वेशन ले लिखले आम जो वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑलरेडी आम फास्ट क्वेश्चन या पूर्व क्वेश्चन टाइम भी से भाई सल्व करते तो वी नो दैट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्टा कौन करेंट अकाउंट आम जाने फास्ट उपरटे भी सही लिखिदे आम करेंट अकाउंट तो ताल आम लिखिपर वाई इज इक्वल टू कौन सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जगह रिप्लेस करके आम लिखेद सी ए करेंट अकाउंट तो नाउ एस पी बा प्राइवेट सेविंग इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस सी ए तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस सी एटा टोटाल ही गला कौन वाई माने वाई जगह कौन ये जो वाई जगह आम लिखिदे सी प्लस आई प्लस जी प्लस सी ए आउ कौन थी तासी तो टैक्स आउ कंजप्शन टा माइनस होता है माइनस टी माइनस सी क्या ये टोटालटा को आम वाई इक्वेसन टाक रिप्लेस कले मैंने वाई जगार ये आम वाई थी तो वाई रैल्यू ये आसला सी प्लस आई प्लस जी प्लस सी ए से माइनस टी माइनस सी तापर आम ब्राकेट हटेदे सी प्लस आई प्लस जी प्लस सी ए माइनस टी माइनस सी तो ये प्लस सी आ माइनस सी कैनसल होगा तो रहीगला किए आई प्लस जी प्लस सी ए माइनस टी तो आई प्लस जी प्लस सी ए माइनस टी एस पी इज इक्वल टू सरी तो तापरे नेक्स्ट हूँ एस पी इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस सी माइनस टी ताले एस पी प्राइवेट सेविंग इज इक्वल टू आई प्लस सी ए प्लस जी माइनस टी तो जी माइनस टी ये जी थी जी माइनस टी आमर ऑप्शन ले ए अच्छी ना जे आई प्लस सी ए रहा आ जी माइनस टी एटा आमर ऑप्शन रे अच्छी तो से ऑप्शन अनुसार आम ये देखिकी कले जे राइट ऑप्शन हो प्राइवेट सेविंग इज इक्वल टू आई प्लस सी ए प्लस जी माइनस टी तो चलो तो देखा ये देख ऑप्शन रे ऑलरेडी अच्छी आई प्लस सी ए प्लस जी माइनस टी तो आई प्लस सी ए अच्छी प्लस जी माइनस टी अच्छे ये तो 59 राइट ऑप्शन टा हो कौन सी हो राइट ऑप्शन आई प्लस सी ए प्लस जी माइनस टी यहाँ तार राइट ऑप्शन 59 क्वेश्चन रपर 60 क्वेश्चन को आसवा 60 नंबर तो 60 नंबर कौच ए परपिचुएटी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर बॉन्ड्स इन दैट इफ नेभर मेच्योर्स ना पे कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड इंटरेस्ट ना इज इश्यूड ओनली बाय द यूएस गवर्नमेंट ना विल बी यूज टू परचेज एनदर बॉन्ड व्हेन इट मेच्योर्स अनलेस द ओनर स्पेसिफाइज अदरवाइज तो ये परपिचुएटी ऑफ इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर बॉन्ड तो परपिचुएटीटा माने अदर बॉन्ड ठारु केमती अलग तो परपिचुएटी बॉन्ड माने कौन परपिचुएटी बॉन्ड माने होची जोटा कौन ना जोटा केबे मैच्योर हुए ना परपिचुएटी तो जो परपिचुएटी बॉन्ड तार मीनिंगटा होची जे इट नेभर मैच्योर्स माने तार आमर माने कौन करिवो ना सी सबोले तार इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बा इंटरेस्ट रेट सब बढ़ु थो मैंने इंटरेस्ट रेटा सी पाई चलु थो इंटरेस्ट मिलू थो गोटे जिनस इंटरेस्ट मिलू थो कि तार प्रिंसिपल जोटा थो प्रिंसिपल मनी से मिलना ना धर आम बैंक एवं तुम्हें रख बैंक वन लाख रुपीज रखीदल वन लाख रुपीज रखीदल से पूरा लाइफ टाइम पर्यटन तुम मानने जितकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी धर 5% कि 7% जहाँ तो से मंथली तो इंटरेस्ट तुम मिली चलो लास्ट पर्यटन पूरा मानने तुम डेथ पर्यंत से मानने चली थो इंटरेस्ट मिलू थो कि कौन मिलवनी ना से आमर प्रिंसिपल अमाउंटा मिलवनी से जो वन लाख रुपीजा जितक इनभेस्ट करा मिलवनी खाली इंटरेस्ट मिल तो कौन कह जाए परपिचुएटी बॉन्ड हो नेभर मेच्योर्स तार मेच्योरिटी डेट किसी न थाए मैं लाइफ टाइम पर्यटन सी चलो कितु कंडीशन कौन ना तुमको प्रिंसिपलटा दिजो ना तो एमती भी बहुत जन अच्छा मैंने धर से लाइफ टाइम कैलकुलेट करदे जो इंटरेस्ट रेट यही अनुसार है मत एक टाँचा इनभेस्ट कली 20 वर्ष उठीज कि 10 वर्ष तार प्रिंसिपल अमाउंट रू अधिक तो सी आराम से रखीदे तो 10 वर्ष पर गले तार प्रिंसिपल अमाउंट रू अधिक तार प्रिंसिपल न दे इंटरेस्ट रेट तो सी लाभ पाई ना तो सेमती हो पाए तो सीटा को परपिचुएटी बॉन्ड कह जाए आ गए तार जस्ट रिवर्स टाक कह जाए जीरो कूपन बॉन्ड
तार रिवर्स टा को कौन कहुए जीरो कूपन बॉन्ड। तो जीरो कूपन बॉन्ड रे हुजे कौन ना सेटारे इंटरेस्ट मिलिबो नै, ओनली प्रिंसिपल, माने प्रिंसिपल अमाउंट त तुमको दे दिया जिवो आ सेतरे इंटरेस्ट किछ मिलिबो नै। तुमको धर जति कि टंका रे तमे किनिथिबो, धर गोटे किणिल 90 रुपीज रे गोटे बॉन्ड को किणिल कि 10 रुपीज रे किणिल कि 50 रुपीज रे किणिल, तुमको गोटे अमाउंट फिक्स कराइथिबो जे मैच्योरिटी हेले तुम 100 टंका पाइबो सबुथिरे, माने 100 टंका मिलिबो मैच्योरिटी रे। तुम्हें आगुआ जाणीगल जे आमको 100 टंका मिलिबो किंतु एबे एतिकी टंका रे तुम्हें बॉन्डटा को किणिछ, तो सेटा को जीरो कूपन बॉन्ड बोली कहा जाए। माने तार प्रिंसिपल अमाउंट तुमको दे दिया जिवो विथ तुमर जेतिकी इंटरेस्ट, माने तुम जेतिकी पाइबा कथा ऑलरेडी सेतिकी तुम्हें पाइबो, माने 100 लेखाई जे माने 100 पाइबो, सेटा जीरो कूपन बॉन्ड। आउ परपेचुइटी बॉन्ड होछि कोन ना प्रिंसिपल मिलिबनी ओनली इंटरेस्ट मिलिबो आ सेटा मैच्योर केबे हुए नै। तो 60 नंबर राइट ऑप्शन हे जिवो ए। तापर नेक्स्ट हूँ 61 क्वेश्चन को जीवा। 61 क्वेश्चन हूँ द ईस्ट एशियन मिराकल। ईस्ट एशियन मिराकल कौन ना द एबिलिटी टू एबिलिटी ऑफ सो मेनी पीपल्स टू लिव इन सच स्मॉल एरियाज ना द फैक्ट दैट सो मेनी इन्फ्लुएंजा वेराइटीज ओरिजिनेट फ्रॉम दिस रीजन ना द फैक्ट दैट पोअर डुअलिस्टिक इकोनॉमीज मैनेज टू एस्केप द विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी ना द एबिलिटी टू मेंटेन लार्ज पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस विद द यूएस। तो ये राइट ऑप्शन कौन हम ईस्ट एशियन मिराकल। तो ईस्ट एशियन मिराकल रे कौन होता ना आमर जो ईस्ट एशिया कंट्रीज अच्छा 8 कंट्रीज अच्छा से देखागला जे ग्रोथ रेटा मैंने 2 डिजिट रु भी अधिक बढ़ी बढ़ी चली। आमर ईस्ट इंडियन कंट्रीज मैंने जो मैंने थे 8 कंट्री से ग्रोथटा मानने जीडीपी जोटा ग्रोथ रेटा 2 जीडीपी रु अधिक मैंने आमर जमी धर इंडिया एवं कह 6% कि 7% ग्रो हो तो से समय 12, 13, 15, 20 ये मैंने बहुत अधिक अधिक ग्रोथ होता। तो सीटा 8 कंट्रीज ईस्ट एशिया 8 कंट्री किए कि ना जापान गोटे थी साउथ कोरिया ताइवान हांगकांग सिंगापुर थाइलैंड मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो से 8 कंट्रीज थिले माने ईस्ट एशिया कंट्रीज जो मानकर कि माने ग्रोथ रेट 2 जीडीपी रु अधिक होतला। आउ जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रहिले अदर कंट्रीज माने धर आम एपट साइड को आम साइड को ना इंडिया पाकिस्तान होगा नेपाल भूटान बांग्लादेश सब कंट्रीज मानक डेवलपिंग कंट्रीज रे माने बहुत कम ग्रोथ रेट 1.2 समथिंग 3 एमती। तो से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता मैंने बहुत कम ग्रोथ रेटा होता। तो जितेबाला अधिक ग्रोथ रेट हम ताद्वारा कौन हम ये देख सीटा हूँ यार राइट ऑप्शन द फैक्ट दैट पोअर डुअलिस्टिक इकोनॉमीज मैनेज टू एस्केप द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो से माने जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रु एस्केप कर पारुले एस्केप माने ये जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी थिला ना पॉवर्टी आम पढ़ीचे जो डिमांड साइड और सप्लाई साइड दी प्रकार जो लो इनकम लो सेविंग लो माने इन्वेस्टमेंट लो प्रोडक्टिविटी तो लो इनकम से अनुसार जो चालू थिला से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी टाकु से माने कोन करि पारुले ना सेटाकु से माने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को एस्केप करुले एस्केप करके बाहर की से माने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी रु बाहर को जाई पारुले कहीं ग्रोथ रेट अधिक हम ग्रोथ रेट अधिक तो इनकम अधिक हम सेविंग अधिक हम इन्वेस्टमेंट अधिक हम प्रोडक्टिविटी अधिक हम से तो से अनुसार से डिमांड अधिक हम बढ़ी बढ़ी चलो विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी भितर आज से रही है ना। तो ये जो ईस्ट एशियन मिराकलटा से इयरटा लिखिदेव 1998 जो ईस्ट इंडिया ईस्ट एशियन मिराकल होता मिराकल माने आम कहीपर गोटे मानने एमती हटात उपर जो चेंज हवाटा को मिराकल बोली कह जाए जोटा आशा करा जाए नथे। तो से भाया ईस्ट एशिया एशियन कंट्रीज 8 कंट्रीज उपर सेमती होता अदर कंट्रीज मानक डाउन थी कि ग्रोथ रेटा 2 डिजिट रु मैंने अधिक था। तो सीटा आम सी हो रईट अप्सन 61 सी हो रईट अप्सन। ताप 62 क्वेश्चन को आसवा 62 क्वेश्चन जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए डुअल इकोनॉमी। डुअल इकोनॉमी रे कौन रुहे दी प्रकार डुअल इकोनॉमी क्लास वारफेयर टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ टूर्नामेंट डुएल्स माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर सोफिस्टिकेटेड हाई वेज इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्जिस्ट विथ लो वेज
ट्रेडिशनल सेक्टर्स ने कंट्री एक्सपोर्ट बोथ ट्रेडिशनल एंड सोफिस्टिकेटेड नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। तो राइट ऑप्शन कौन डुअलिस्टिक इकोनॉमी रे, डुअल इकोनॉमी रे सी इज द राइट ऑप्शन। सी कौन देछि ना डुअल इकोनॉमी रे सोफिस्टिकेटेड हाई वेज इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्जिस्ट विथ लो वेज ट्रेडिशनल सेक्टर। तो आमर दुईटा सेक्टर रहिबो कौन, गोटे हूँ हाई वेज इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गोटे हूँ लो वेज रो ट्रेडिशनल सेक्टर। हाई वेज लो वेज इंडस्ट्रियल सेक्टर रे हाई वेज मिलिबो आउ ट्रेडिशनल सेक्टर रे लो वेज मिलिबो। दी प्रकार थिबो आमे कहि परबे इंडिया रे डुअल इकोनॉमी अछि कने इंडिया रे माने बड़ बड़ सिटीज मानन करे तो से जगह रे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होउछि इंडस्ट्रियलाइजेशन होउछि जहा द्वारा से मानको हाई वेज से माने पाउछन्ती। विथ ट्रेडिशनल सेक्टर भी होइछि आमर एग्रीकल्चर जेमति कि एग्रीकल्चर रे बहुत गा मानकर तमे जिवो एबे भी से ट्रेडिशनल सेक्टर रे माने से मानकर चासबास होउछि जहा द्वारा कि लो वेज लेबर माने बहुत लो वेज भी अर्न करछन्ती माने जेतिकि तांकर मिनिमम वेज ताठार बहुत कम से माने माने लो वेज पाउछन्ती। लो माने ट्रेडिशनल सेक्टर भी रहिछि आउ मॉडर्न सेक्टर बा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कोएक्जिस्ट करुछि तो सेटा को कहजबो डुअल इकोनॉमी। तो राइट ऑप्शन इज वाज सी। तापर 63 होछि ए प्रोहिबिटिव टैरिफ इज ए टैरिफ। तो प्रोहिबिटिव टैरिफ क्या को कहा जीवो तो टैरिफ गोटे प्रकार कौन जे इम्पोजिशन टैक्स इम्पोजिशन जे टैक्स लागू हम माने किसी ये उपरे टैरिफ लागू हम तो से जो अधिक रेस्ट्रिक्शन लागू हम मनी आकार मैंने टैक्स देवे से माने तो प्रोहिबिटिव टैरिफ माने कौन ना इज सो हाई दैट इट एलिमिनेट्स इम्पोर्ट इज सो हाई दैट इट कॉजेस अनड्यू हार्म टू द इकोनॉमीज एज ट्रेड पार्टनर्स इज सो हाई दैट इट कॉजेस अनड्यू हार्म टू द इम्पोर्ट कंपीटिंग सेक्टर ना इज सो लो दैट द गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स इट्स यूज सिंस इट वुड लूज एन इम्पोर्टाट रेवेन्यू सोर्स। तो लो हेले तो सेटा आमर प्रोहिबिटिव टैरिफ हेनी लो हेले तो लोक मानक तो फायदा ना तो ये ए जो हाई से हाई रे ही अधिक एते हाई हो जिवो जहाँ द्वारा कि सेमाने आउ इम्पोर्ट करिपरिबे नाही। आमर ए जो टैरिफटा का उपरे लागू हुए इम्पोर्ट आउ एक्सपोर्ट उपरे लागू हुए तो से गवर्नमेंट जदि एते हाई टैरिफ करदेव इम्पोर्ट उपरे माने सेमाने आउ इम्पोर्ट करिपरिबे नाही। सपोज हाई टैरिफ माने एग्जांपल जदि देबी सपोज गोटे गुड्स रो सपोज आमर इंडिया नबा आउ यूएसए नबा तो आमे फॉरेन कंट्रीज रु कौन करिबा ना इम्पोर्ट करिबा तो यूएसए रे सपोज एटी गोटे गुड्स रो प्राइस अछि कते ना $10 अछि आमे धर मोबाइल इम्पोर्ट करूछे तो गोटे मोबाइल रो तार मैन्युफैक्चर प्राइस अछि $10 तो इम्पोर्ट एते अधिक प्राइस हो जीवो जे माने इम्पोर्ट एते इम्पोर्ट उपर एते माने हाई टैक्स लागिवो जे तार ओरिजिनल प्राइस रो डबल कि ट्रिपल प्राइस तुम ये किणव तुमको ये जदि से $50 रे माने किणवाप पड़े तो मैन्युफैक्चर $10 रे किंतु तुमको एत टैक्स लग जा $50 हो तार प्राइस $50 विथ इंडियन माने ये आउ अदर सब जिते प्रकार जी एस टी एटा से मिस मिसाक आहरी के तो द्वारा लोक मैंने इम्पोर्ट ही करने डर मैंने इम्पोर्ट आगे ना से इम्पोर्ट कले एत हाई लग जा टैक्स जहाद्वारा इम्पोर्ट को एलिमिनेट कर दिया जो आउ इम्पोर्ट न हो पाले गोटे इम्पोर्ट तो जिते कम हम एक्सपोर्ट जिते भल मानने अधिक हम से देश भल किंतु आमे पुणी एबे कौन जो लिबरलाइजेशन है ग्लोबलाइजेशन है आमे समस्ते सब कंट्रीज उपरे इंटरडिपेंडेंट हो चलीजे जदि आम खाली एक्सपोर्ट करवा इम्पोर्ट करवा ना तो अदर कंट्री मान सहित तो आमर कौन हो जो रिलेसनटा खराब हो रिलेसन खराब हेले से कहे इंडिया तो से आमको एक्सपोर्ट करम गुड्स को इम्पोर्ट करूना तो ताद्वारा से आम जिनको ने जहाद्वारा फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हे तो से प्रोहिबिटिव टैरिफ माने कौन इट इज सो हाई दैट इट एलिमिनेट्स इम्पोर्ट इम्पोर्ट को सी एलिमिनेट करदेव एत अधिक टैरिफ जोटा कि प्रोहिबिट करा जाए प्रोहिबिट माने जोटा को बारण कर मानने एते अधिक हवा कथा नुहे गोटे लिमिट रहा दरकार दे एक्सपोर्ट भी हम विथ इम्पोर्ट भी हम जमी गोटे बालान्स वे रे चली पार ऑप्टिमम माने लेवल पर्यंत जापर तो सैटा हो राइट ऑप्शन 63 रो ए। तापर 64 क्वेश्चन को आसवा 64 क्वेश्चन हो द मेन डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ ए टैरिफ इज द ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम
तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैरिफ्टा से ट्रांसफर ऑफ इनकम माने कहाँ पाखरु को कहाँ पाखरु ट्रांसफर रहिकी इनकम टा आसीबो। तो देखो फर्स्ट होची डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू डोमेस्टिक बायर्स, ना डोमेस्टिक बायर्स टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, ना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू डोमेस्टिक गवर्नमेंट, ना डोमेस्टिक गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक कंज्यूमर। तो ये आम पढ़ले द मेन रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन माने जनक पाखरु जाइके आउ जनक पाखरे पहुंचिबो। रिडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ ए टैरिफ इज द ट्रांसफर ऑफ इनकम, इनकम टा कहा पाखरु कहा पाखरु ट्रांसफर हेके जिवो। तो ये जो टैरिफ लागू हेले आम आगे तार कांसेप्ट बुझिबा दरकार जे टैरिफ लागू हेले कौन हबो, टैरिफ लागू हेले कौन हबो ना आम जानी जो इंपोर्टर प्राइस टा या पूर्व आम क्वेश्चन टा पढ़ले टैरिफ जदि लागू हम जहाद्वारा आमर जो इम्पोर्ट जीक होता इम्पोर्टर प्राइसटा कौन हम रईज हो जी आम इम्पोर्ट मानने किणुलु जी टकर तार प्राइसटा एवं अधिक बढ़ीज टैरिफ लागू है टैरिफ जिते अधिक टैरिफर मानने टैक्स अधिक रहाद्वारा इम्पोर्टर प्राइसटा अधिक हम। इम्पोर्ट प्राइस अधिक हेले जहाद्वारा कौन हम इम्पोर्ट प्राइस अधिक हेले एठी आमे प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू रु देखिबा प्रोड्यूसर माने से माने तांकर गुड्स रो प्राइस टा बढ़ुचे माने लॉ ऑफ सप्लाई अनुसार कौन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस मोर अधिक से माने प्रोड्यूस करिवे एंड अर्न मोर प्रॉफिट। तो एठी आउ बाहरु से माने इम्पोर्ट जो माने इम्पोर्ट प्राइस रो अधिक हले इम्पोर्ट टा कमी जिवो बाहरु इम्पोर्ट कमी जिवो आम देश रे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर माने अछंती से प्रोड्यूसर माने अधिक प्रोडक्शन करिवे कहीं ना आमर बाहरु माने आसीबाटा कमी गले तो आमर जो डोमेस्टिक माने आम देश भितर जो माने प्रोड्यूसर थिले प्रोड्यूसर प्रोडक्शन टा से माने बढ़ेबे। तो प्रोडक्शन बढ़िले जहाद्वारा कौन हम से माने अधिक प्रॉफिट अर्न करिवे प्रोडक्शन बढ़ला से अनुसार तांकर प्रॉफिट भी अर्न हो कहीं सेलिंग अधिक हम प्रॉफिट अधिक हम। तो प्रॉफिट अधिक हेले से जो टंकाटा कहाँ पाखक जीव प्रोड्यूसर पाखक जीव माने कंज्यूमर पाखरु टंकाटा शिफ्ट हेके प्रोड्यूसर पाखक चले जीव। तो सेटा ही तार कांसेप्ट जे कंज्यूमर पाख मान पाखरु जो टंकाटा प्रोड्यूसर पाखक शिफ्ट हम। तो सेटा को ऑप्शन ले अछि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर टू डोमेस्टिक बायर, बायर पाखक तो जीवन तार रिवर्स डोमेस्टिक बायर्स टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर माने डोमेस्टिक बायर्स जो माने देश भीतर जो माने किणुले पाखरु टंकाटा ट्रांसफर होकर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पाखक आसीज बायर्स पाखु आसिक प्रोड्यूसर माने बायर्स पाखु सेलर्स पाखक पल टाटा आ कहीं जीव ना ये कारण कहीं बाहर देशर आगे इम्पोर्ट होम देशर लोक प्रड्यूस करेंगे प्रडक्शन करेंगे तो आम देशर लोक ही बेनिफिट पाइबे ना जो मैंने प्रडक्शन करीटा को हिं कहे रिडिस्ट्रब्यूसन हम रिडिस्ट्रब्यूसन कहीं ये पूर्व क्वेश्चन सहित ये क्वेश्चन टार लिंक अच्छे पूर्व क्वेश्चन आम पढ़िले ना जे केमिति माने जो टैरिफ लागू हेले कौन हो तो टैरिफ लागू हेले जे से क्वेश्चन आंसर दे देबो से ए क्वेश्चन टार कांसेप्ट आराम से बुझी पारिबो। तो सेटारे टैरिफ लागू कहीं के हबो ना इम्पोर्ट उपरे बहुत माने इम्पोर्ट उपरे अधिक प्राइस माने इम्पोर्ट उपरे अधिक चार्जेस लागिबो। तो इम्पोर्ट अधिक चार्जेस लागिले लोक माने आ बाहर देशर इम्पोर्ट करिवे नाही आम देशर जेमिति कि एबे माने कैंपेन चलली स्वदेशी मूवमेंट द मेक इन इंडिया तो से भाया आम देशर अधिक प्रोडक्शन हम तेल आम देशर प्रोड्यूसर मानक पाखक कंज्यूमर मानक पाखु टाटा प्रोड्यूसर पाखक सिफ्ट हम। तो सेटा को कहो ट्रांसफर ऑफ इनकम हम तो ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक बायर्स टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। तो 64 राइट ऑप्शन है जो बी। तापर 65 क्वेश्चन को आसवा 65 क्वेश्चन हो द मेजलर पाराडक्स। तो मेजलर पाराडक्स रो मीनिंगटा कौन तो यहाँ जो मेजलर पाराडक्स एल ए मेजलर से कनसेप्टा देते तो कनसेप्ट से कौन कही चार अप्सन अच्छे देखा कुड थिओरिटिकली हेपेन व्वेन ए स्मल कंट्री लिवस ए टैरिफ ना रिलेटेड टू ए सिचुएसन व्वेन एन अप्टिमम टैरिफ हर्ट्स एन कंट्रीज इकोनोमिक वेलफेयर ना रिलेटेड टू ए सिचुएसन व्वेन द इम्पोजिशन अफ ए टैरिफ्स लोअर्स डोमेस्टिक प्राइसेस ना रिलेटेड टू ए सिचुएसन व्वेन द इम्पोजिशन अफ टैरिफ्स हेल्प्स फरेन एक्सपोर्ट। तो टैरिफ इम्पोज कले कौन हम यही चार्टा अप्सन रु जे मेजलर पाराडक्स अनुसार टैरिफ इम्पोज कले आमर देश कौन तार इफेक्टा पड़ो। तो मेजलर पाराडक्स आम कनसेप्ट आगे बुझा जो मेजलर पाराडक्स से कौन कहते ना मेजलर पाराडक्स से गोटे आर्टिकल लिखी कौन तार नेम तार टैरिफ द टर्म्स अफ ट्रेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम जोटा कि 1941 रे से पब्लिश करते आर्टिकल से ये कनसेप्टा देते। तो से कौन कहते ना इट रिफ्यूट द स्टॉपलर सैमुएलसन
थ्योरम द टैरिफ वुड हर्ट द अबंडेंट फैक्टर एंड बेनिफिट द स्केयर फैक्टर। तो या पूर्व ये जो मेर्जलर पाराडक्स कनसेप्ट जानवा पूर्व तुम्हें स्टॉपलर सैमुएलसन ला स्टॉपलर सैमुएलसन कनसेप्ट बुझा दरकार। तो स्टॉपलर सैमुएलसन कहते कौन टैरिफ वुड बी हर्ट द अबंडेंट फैक्टर एंड बेनिफिट द स्केयर फैक्टर। माने से माने टैरिफटा स्टॉपलर सैमुएलसन अनुसार हर्ट करिवो कहाकू ना अबंडेंट फैक्टर आउ एंड बेनिफिट दबो कहाकू ना बेनिफिट दबो स्केयर फैक्टर को। हट कर एबंडन फैक्टर माने टैरिफ इम्पोज कले जदि आम अधिक टैरिफ लगे माने इम्पोर्ट उपरे टैरिफ लगे एबंडन फैक्टर जी अधिक एबंडन थी सी हट हे माने तार क्षति हे आज जी स्केयर फैक्टर थी जहाँ पाखे कम थी सी बेनिफिट पाइब। इटा इटा थिला सैमुएलसन कनसेप्ट स्टॉपलर सैमुएलसन किंतु मेजलर तांकर जस्ट अपोजिट कहते द पाराडक्स टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन टर्म्स ऑफ ट्रेड द मेजलर कनक्लूडेड दैट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू टैरिफ्स विल इम्प्रूव अबंडेंट फैक्टर एंड विल हर्ट द स्केयर फैक्टर। तो मेजलर पाराडक्स रे से कौन कहले जे ए जो माने अबंडेंट फैक्टर टा से कौन करिवो ना अबंडेंट फैक्टर जे अच्छी सी बेनिफिट कर एंड स्केयर फैक्टर जहाँ अच्छी सी हट हे माने स्केयर फैक्टर जहाँ पाखे कम लेबर थी कि कम कैपिटल थी सी माने क्षति सहब हट हे माने तार माने लॉस हे और जे अबंडेंट फैक्टर सी बेनिफिट पाइब जहाँ अधिक लेबर कि अधिक कैपिटल थी सी ही बेनिफिट पाइब। एटा मेजलर पाराडक्स अनुसार कनसेप्ट। तो ये पूर्वर भी से भाया दुटा कनसेप्ट आम पढ़े आसे यार भी से भाया दुटा माने अपोजिट कनसेप्ट कहीं माने इकोनॉमिक्स रे आम बहुत सारा थियोरी देखा तुम्हें क्लासिकल देख केन्स को देख क्लासिकल जहाँ कहते केन्स जस्ट अपोजिट कहते से भाया बहुत सारा थियोरी अच्छी जो क्रिटिसिज्मा ही तार आउ गोटे थियोरी गोटे थियोरी जो क्रिटिसिज्म थी सीटा आउ गोटे थियोरी को डेवलप करू थो। तो इकोनॉमिक्स ये बहुत सारा थियोरी आम माने जदि तार कनसेप्ट गुड़िक बुझे तो यह आराम से तार कनसेप्ट को क्लीअर हो पार। तो स्टॉपलर सैमुएलसन जस्ट अपोजिट होती मेजलर पाराडक्स। तो मेजलर पाराडक्स कहते अबंडन दिए जहाँ पाखे अधिक अच्छी से बेनिफिट पाइब जहाँ पाखे कम अच्छी तार क्षति हे जदि आम टैरिफ इम्पोज करवा। तो चलो देखा कौन कौन ऑप्शन रे अच्छी कुड थियोरिटिकली हैपन व्हेन ए स्मॉल कंट्री लिव्स ए टैरिफ ना रिलेटेड टू ए सिचुएशन व्हेन एन ऑप्टिमम टैरिफ हर्ट्स ए कंट्रीज इकोनॉमिक वेलफेयर ना थर्ड रे कहला रिलेटेड टू ए सिचुएशन व्हेन द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ लॉयर्स डोमेस्टिक प्राइस। तो यहीटा हो राइट ऑप्शन सीटा हो राइट ऑप्शन कहीं से कहले जे मेजलर पाराडक्स कहले रिलेटेड टू ए सिचुएशन व्हेन इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ लॉयर्स डोमेस्टिक प्राइस। तो ये माने आम जदि कौन करवा ना इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ करदे जहाद्वारा डोमेस्टिक माने प्राइसटा कमीजी एटा सी अपोजिट कथाटा कहले ना अपोजिट कथाटा कह स्टॉपलर सैमुएलसन अपोजिट कहले। तो सी स्टॉपलर सैमुएलसन कहले टैरिफ इम्पोज कले आमर होम कंट्री रो बेनिफिट हे किंतु मेजलर पाराडक्स माने मेजलर कहले कौन ना जदि टैरिफ इम्पोज करवा आम होम कंट्री सफर कर होम कंट्री सफर कर हट हे माने कौन होम कंट्री लॉस हे। तो सीटा ही यही सी ऑप्शन ले अच्छी देख रिलेटेड टू सिचुएशन व्हेन द इम्पोजिशन ऑफ ए टैरिफ लॉयर्स डोमेस्टिक प्राइस डोमेस्टिक प्राइस को कमीजी डोमेस्टिक प्राइस कमीजी माने ये आम ऑप्शन ले पढ़िले डोमेस्टिक प्राइसटा कमीजी माने आमर एक तो इम्पोर्ट उपरे आमे कौन कले इम्पोर्ट उपरे आमे रिस्ट्रिक्शन लगेले इम्पोर्टर प्राइसटा को अधिक कले माने आमे बाहर कंट्री रु इम्पोर्ट करि परिबा नै जहाद्वारा सेटा तो आम पाई गोटे लॉस तापर भी आम कंट्री रे भी जो जी प्रोडक्शन होता तो से जगह इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स लॉयर्स डोमेस्टिक प्राइस को कमेदेव डोमेस्टिक प्राइस कमेदेव माने से कहे आम डोमेस्टिक रे भी माने डिमांडटा कमीजी यहाँ भी गोटे कनसेप्ट प्राक्टिकाली यहाँ भी ठीक अच्छे तुम देख आम जो जिते माने फोन यूज कर आमे जहाँ भी जिते माने ओपो भिवो सैमसंग जिते प्रकार नोकिया जिते फोन अच्छे सब आम फॉरेन रु इम्पोर्ट करुच्छ आम इंडियन कंपनी तो टोटाली ना ही ना माइक्रोमैक्स हो गला कि दु तीन टा कंपनी बाहर था सी तो टोटाली चलून। तो आम जदि बाहर कंट्री रु इम्पोर्ट करवा टैरिफ लगेदे अलरेडी इम्पोर्ट उपरे रेस्ट्रिक्शन लगेगा माने हाई प्राइस रहा तो आम बाहर इम्पोर्ट करूनि तापर निज कंट्री रे भी आमर जेहेतु प्रोडक्शन होनी लोक डिमांड करू ना आम प्रोडक्टा माने बहुत प्राइस
ରହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ କିଣୁନାହାନ୍ତି ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟାରିଫ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍କୁ ଲୋୟର କରିବେ କାହିଁକିନା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ ଲୋୟର ନ କଲେ ଲୋକ କିଣିବେ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତୁମେ ମାଇକ୍ରୋମେକ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲିରେ ବି ଦେଲେ ବି ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି ହେ ସେଟାର କ'ଣ ଫିଚର୍ସ ଭଲ ନାହିଁ କ'ଣ ସେଇଟା ନେଇକି ହେବ ତ ଲୋକ ନେବେ ନାହିଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ଟାକୁ କମ୍ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାନେ ହୋମ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ତା'ର ନେଗେଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଟା ଆମର କହିଥିଲେ କିଏ ନା ଯେଉଁ ମେଜଲର ତ ସି ହେଇଯିବ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ତ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ଏ ଯେଉଁ 2018 ମସିହାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଡିପ୍ କନସେପ୍ଟ ରୁ ଆସିଛି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଆସିଛି କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଯାହାର କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲିଅର ଥିବ ସେ ଆରାମସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବ ତ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ବୁଝି ବୁଝି ଯିବା ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଆମର କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେବ ଆମେ ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣିପାରିବା ତ 65 ସି ହେଇଗଲା ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ତା'ପରେ 66 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା ଦ IMF ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି IMF ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ସେଇଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା ତ ତା'ର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ସେଇଟା ହେଉଛି 1994 1944 ମସିହା ତା'ର ଡେଟ୍ଟା ବି ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ବାଇଶ ନ୍ୟୁ ହେମସ୍ପିୟର US ହେଲା US ନ୍ୟୁ ହେମସ୍ପିୟର ତା'ର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଜୁଲାଇ 22 1944 ହେଇଥିଲା IMF ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରିଟେନ୍ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ IMF ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ତା'ପରେ 66 ଗଲା 67 କ�ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା 67 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ୟୁଜିଂ ଡିସ୍ଗାଇଜଡ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ସେଭିଂ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଇନ୍ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ ଇକୋନୋମିଜ୍ ୱାଜ୍ ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ବାଇ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆର୍ ହେଡର୍ ରାଗ୍ନର ନକ୍ସେ WW ରଷ୍ଟ ପଲ୍ ଏ ବାରେନ୍ ତ ଡିସ୍ଗାଇଜ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ ଚାରିଟା ଅପସନ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯିବା ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ରାଗ୍ନର ନର୍ସେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁ ଡିସ୍ଗାଇଜ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଏ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ସେଭିଂ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଇନ୍ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ ଇକୋନୋମିଜ୍ ତ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ ଇକୋନୋମିଜ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡିସ୍ଗାଇଜ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଭିଂ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଧର ଡିସ୍ଗାଇଜ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଡିସ୍ଗାଇଜ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେମିତିକି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଲେବର୍ମାନଙ୍କର ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟିଟା ଜିରୋ ହେଉଥିବ ମାନେ ଯେଉଁଠି 5 ଜଣ ଲେବର୍ କାମ କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଲେନ୍ରେ ସେଠି 6 ଜଣ 7 ଜଣ 10 ଜଣ ଲେବର୍ କାମ କରୁଥିବେ ତ ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 2-3 ଜଣ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭିଟି କିଛି ନାହିଁ ଜିରୋ ତ ସେମାନେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ପାଇପାରିଲେ ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରୁ ମାନେ କ'ଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଲେ ରୋଜଗାର ପାଇଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ୱେଜେସ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମଜୁରୀ ପାଉଥିଲେ ସେଇଟା ବଢ଼ିବ ୱେଜେସ୍ ବଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯେତିକି ଆସୁଥିଲା ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲା ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେଭିଂ ବଢ଼ିବ ସେଭିଂ ବଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଭିସିୟସ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟି ଥିଲା ନା ତ ଭିସିୟସ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟିରୁ ଆରାମସେ ବାହାରି ପାରିବେ ତ ସେଭିଂ ବଢ଼ିଲେ ତ ଆରାମସେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ତା'ପରେ ମାନେ ଅଧିକ ଅଧିକ ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋ କରିବ ତା'ପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ ଏମିତି ଚାଲିଲା ପୁରା କନସେପ୍ଟଟା ଭିସିୟସ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟିର ଇଏଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଟାରୁ ସେମାନେ ବାହାରି ପାରିବେ ତ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେବେ ତ ସେଇଟା ଆମର ରାଗ୍ନର ନର୍ସେ ସେଇ କନସେପ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଡିସ୍ଗାଇଜ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସୋର୍ସ କ'ଣ ନା ସେଭିଂ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଇନ୍ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ ଇକୋନୋମିଜ୍ ତ ସେଭିଂ ପଟେନ୍ସିଆଲ୍ ସେଇଟା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଭିସିୟସ୍ ସର୍କଲ୍ ଅଫ୍ ପଭର୍ଟିରୁ ବାହାରି ଆସିବାର ପସିବିଲିଟିଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆଜି ମାନେ କାମ ପାଇନାହାନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପାଇପାରିବେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ଆଉ ତ 67 ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ତା'ପରେ 68 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା ସୁମ୍ପିଟର୍ସ ଗ୍ରୋଥ୍ ଥିଓରି ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ତ ସୁମ୍ପିଟର୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ଥିଓରିଟା ଥିଲା ସେଇଟା କାହା ଉପରେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରୁଥିଲା ତ ଇନୋଭେସନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବାଲାନ୍ସ ଗ୍ରୋଥ୍ ନନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ତ ସୁମ୍ପିଟର୍ ଥିଓରି ଇନୋଭେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୁମ୍ପିଟର୍ର ଇନୋଭେସନ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଇନୋଭେସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଇକୋନୋମି ଗ୍ରୋ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ମାନେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବା ଯେତେ ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ ହେବ ତ ସେଇଟା ଆମର ସୁମ୍ପିଟର୍ର ଥିଓରି ଥିଲା ଦ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ 68 ଏ ତା'ପରେ 69 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା 69 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡିପେନିଂ ହେଲା ଏଇଟା କନସେପ୍ଟଟା ବୁଝିବ ଡିପେନିଂ ଦେଇଛି ୱାର୍ଡ଼ଟା ଡିପେନିଂ ତ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡିପେନିଂ ରେଫର୍ସ ଟୁ ତ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଡିପେନିଂ କାହାକୁ ରେଫର୍ସ କରେ
to an increase in the portion of the capital stock to the number of labor hours worked. Na, to an increase in labor to capital ratio. Na, to an increase in human capital only. To use of firm's financial capital. तो ये चार्ट ऑप्शन कौन हम कैपिटल डिपेंडिंग तो कैपिटल डिपेंडिंग रो मीनिंग टा आगे बुझो कैपिटल डिपेंडिंग मैंने हूँ वी आर यूजिंग मोर कैपिटल कैपिटल अधिक कैपिटल मैंने अधिक यूज करवा कैपिटल मैंने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अधिक यूज करवा आ लेबर को सेविंग सेव करवा लेबर सेव करवा कैपिटल को अधिक आम इन्वेस्ट करवा तो कैपिटल डिपेंडिंग इन इकोनॉमिक्स को आम कौन कहवा ना इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल पर वर्कर अमाउंट ऑफ कैपिटल पर वर्कर और पर यूनिट ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट पर वर्कर अनुसार आम कैपिटल के अधिक बढ़े पार मैंने कैपिटल बाय लेबर रेशियोटा मैंने आम के बाय एल रेशियोटा को आम इनक्रीज करवा जो के बाय एल रेशियो अच्छी से इनक्रीज करवा मैंने कौन के बाय एल मैंने कैपिटलटा अधिक लेबरटा कम रे बाय एल रेशियो बढ़ेगा मैंने कैपिटलटा अधिक आम यूज करवा लेबर को कम यूज करवा तो सेटा फास्ट ऑप्शन रे अच्छी देख टू एन इनक्रीज इन द पर्सन ऑफ द कैपिटल स्टॉक टू द नंबर ऑफ लेबर आवर्स वर्कड तो लेबर आवर्स वर्क लेबर मैंने जितके घंटा काम करेंगे से अनुसार कैपिटल स्टॉक रो पर्सनटा को आम इनक्रीज करवा मैंने कैपिटल स्टॉक आम अधिक रखा जहाद्वारा कैपिटल रो कामटा को जो मैंने तुम जानी गोटे मेसीन जितकी समय काम कर लेबर गोटे लेबर से समय काम करना तो आम पांच जन कि दस जन लेबर रो काम गोटे कैपिटल कर गोटे मेसीन करदेव तो से अनुसार कैपिटल रो रेशियोटा को बढ़ाले आउ टोटल तो बिना लेबर रे तो काम हो पारन ना तो कैपिटल भी रही लेबर भी रही किंतु से जो रेशियोटा रही है इक्वल इक्वल न रही कैपिटल रो रेशियो अधिक रही लेबर खाली रही है मेंटेनेंस में तो सेटा ही तार राइट माने तले राइट ऑप्शन टा ए हो 69 रो राइट ऑप्शन ए तापर आम 70 नंबर क्वेश्चन को आसवा 70 नंबर क्वेश्चन होजी रोस्टोस इन WW रोस्टोस थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज तो ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज टा केतोले आसीबो फॉलोज टेक अप स्टेज स्टार्ट डेवलपमेंट कंप्लीट्स डेवलपमेंट फॉलोज हाई मास कंजप्शन स्टेज तो डेवलपमेंट स्टेज आम ऑलरेडी जानिचे कौन आम पांचटा रोस्टर्स रो फाइव स्टेजेस ऑफ ग्रोथ तो ये देख पांचटा स्टेज कौन कौन फास्टा कौन ट्रेडिशनल सोसाइटी फास्टा ट्रेडिशनल सोसाइटी तापरे प्री कंडीशन टू टेक अप ट्रेडिशनल सोसाइटी रहिबो तापरे प्री कंडीशन टू टेक अप रहिबो तापरे टेक अप स्टेज जोटा इकोनॉमी ग्रो करिबा स्टार्ट हो टेक अप स्टेज तापरे ड्राइव टू मैच्योरिटी टेक अप परे हमरो ड्राइव टू मैच्योरिटी तापरे एज ऑफ हाई मास कंजप्शन ड्राइव टू मैच्योरिटी परे एज ऑफ हाई मास कंजप्शन ट्रेडिशनल सोसाइटी प्री कंडीशन टू टेक अप टेकअप ड्राइव टू मैच्योरिटी तापरे एज ऑफ हाई मास कंजप्शन एमती पांचटा स्टेज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ रोस्टर से कहे कि जे इन WW रोस्टर्स थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेजटा ये अच्छे सेटा फॉलोज टेकअप स्टेज टेकअप स्टेज को फॉलो करियो माने टेकअप स्टेज पर ड्राइव टू मैच्योरिटी आसो तो ठीक अच्छे एटा ही राइट ऑप्शन हो ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज फॉलोज टेकअप स्टेज कहीं टेकअप पर ड्राइव टू मैच्योरिटी आसुचे तो ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज फॉलोज टेकअप स्टेज तो 70 नंबर राइट ऑप्शन टा हो ए इज द राइट ऑप्शन तो राइट ऑप्शन एटा बुझेला ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेजटा टेकअप स्टेज को फॉलो करिवो तो राइट ऑप्शन होमर ए 70 नंबर रो राइट ऑप्शन हो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन तापर 71 क्वेश्चन को जीवा 71 क्वेश्चन रे अछि द डुअल इकोनॉमी व्यूड बाय लुइस द कैपिटलिस्ट सेक्टर ऑब्जर्व द सरप्लस लेबर प्रोवाइडेड द डेस तो लुइस मॉडल रे द कैपिटलिस्ट सेक्टर टा ऑब्जर्व द सरप्लस लेबर प्रोवाइडेड बाय द कैपिटल सरप्लस इज जेनरेटेड ना द कैपिटल सरप्लस इज जेनरेटेड एंड री इन्वेस्टेड ना सब्सिस्टेंस सेक्टर हैज एन इलास्टिक लेबर सप्लाई एंड द कैपिटलिस्ट सरप्लस इज जेनरेटेड एंड री इन्वेस्टेड ना द सब्सिस्टेंस सेक्टर हैज एन इन इलास्टिक लेबर सप्लाई तो राइट ऑप्शन कौन हम 71 रो क्वेश्चन रे लुइस मॉडल से कौन कहते ना ये राइट ऑप्शन जब देखा सीटा हो जाए राइट ऑप्शन
ଶିଖଉଥିଲେ ଲୁଇସ୍ ମଡ଼େଲରେ ଯେ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ସେକ୍ଟର ହେଜ୍ ଏନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲେବର ସପ୍ଲାଏ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସରପ୍ଲସ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ମେନର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଲେବର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ତ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ସେକ୍ଟର ହେଜ୍ ଏନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲେବର ସପ୍ଲାଏ ତ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲେବର ସପ୍ଲାଏ ଲେବର ସପ୍ଲାଏଟା ଲେବର ସପ୍ଲାଏଟା ସରି ଏଇଟା ମୁଁ ଇନଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କରିଦେଲି ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ରହୁଥିଲା ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ ମାନେ ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟରରେ ଲେବର ସପ୍ଲାଏଟା ଯେତେ ବଢ଼ି ପାରୁଥିଲା ତା'ର କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ ଲେବର ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲେବର ରହୁଥିଲେ ଯେତେ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବା ତ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ସେକ୍ଟର ହେଜ୍ ଏନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲେବର ସପ୍ଲାଏ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସରପ୍ଲସ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ତ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସରପ୍ଲସ୍ଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ରିଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସରପ୍ଲସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିଲା ଆଗେ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ସେକ୍ଟରରୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଥିଲା ଦେନ୍ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା ତ ସେଇଟା ଆମର ଲୁଇସ୍ ମଡ଼େଲରେ ଥିଲା ଲୁଇସ୍ ମଡ଼େଲର କନସେପ୍ଟଟା ଥିଲା ତ ଏଠି ଆମର ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ଟା ସି ହେଇଯିବ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କାହାର ନା ଆମର ଯେଉଁ 71 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଯେ ଦ ଡୁଆଲ୍ ଇକୋନୋମି ଭିୟୁଡ୍ ବାଇ ଲୁଇସ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଅବଜର୍ଭ ଦ ସରପ୍ଲସ୍ ଲେବର ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ଦ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ସେକ୍ଟର ହେଜ୍ ଏନ୍ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲେବର ସପ୍ଲାଏ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ଇଜ୍ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ତା'ପରେ 72 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆସିବା ହାରଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୋମାର ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦେୟାର ଗ୍ରୋଥ ଥିଓରି ତ ହାରଡ୍ ଡୋମାର କ'ଣ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ ଡୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନେଟ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଅଛି କେପାସିଟି ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନେଟ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଭିଙ୍ଗ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନେଟ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ରାଉଡ଼ିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ନେଟ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆନ୍ସର୍ରେ ତ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ରେ ସେ ବି ଦେଇଛି କ୍ୟାପାସିଟି ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନେଟ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାରଡୋମାର ମଡ଼େଲରେ ସେମାନେ ଡୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମାନେ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନେଟ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ କାହିଁକିନା ହାରଡୋମାର ମଡ଼େଲରେ ଡୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ଲାଇ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଡୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟରେ ହାରଡୋମାର ମଡ଼େଲରେ ଦେଖିବ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡର ଇଫେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସପ୍ଲାଇର ଇଫେକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଇ ଇଫେକ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଡୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଡୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନେଟ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ହୋଇଯିବ ଆମର ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟଟା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟଟା ହେଉଛି ଯେ ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଇନକମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ଦ ହାରଡୋମାନ ମଡ଼େଲ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅନ୍ ଦ ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନା ଇଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଇନକମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଜେନେରେଟେଡ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ତ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଡିମାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ ତା'ପରେ ସପ୍ଲାଇ ଇଫେକ୍ଟଟା କ'ଣ ନା ଇଟ୍ ମାନେ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଫ୍ ଦ ଇକୋନୋମି ବାଇ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଇଟ୍ସ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଦ ସପ୍ଲାଇ ଅର୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସପ୍ଲାଇ ଇଫେକ୍ଟ ଯେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ଇଫେକ୍ଟ ଦୁଇଟା 72ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଥାଏ ତ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ ଡୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ 72ର ତା'ପରେ 73 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯେ ଦ ଗିଭେନ୍ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5% ଦେଲା ମାର୍ଜିନାଲ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟି ବା ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରୋପେନ୍ସିଟିରୁ ସେଭ୍ ବା MPS ଆମେ କହିପାରିବା ସେଇଟା MPS ବା ଏସ୍ ଲେଖିଛି ସେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0.5 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ରେସିଓ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ର ରେସିଓ କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଦ ହାରଡୋମାର ମଡ଼େଲ ଉଡ୍ ବି ତାହେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ରେସିଓ କେତେ ହେବ ହାରଡୋମାର ମଡ଼େଲ ଅନୁସାରେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ରେସିଓଟା କେତେ ହେବ ଆମର ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ଦେଲା 5% ଆଉ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରପେନ୍ସିଟିରୁ ସେଭ୍ ଦେଇଛି MPS ଦେଇଛି 0.5 ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ରେସିଓ ବା KYL ରେସିଓଟା କେତେ ହେବ 100, 0.1, 0.11, 0.11 ବା 10 ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତି ଆର ଆନ୍ସର୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ତ ଏଠି ଦେଲା ଗିଭେନ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5% ଅଛି ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରପେନ୍ସିଟିରୁ ସେଭ୍ ବା MPS ଅର୍ ଖାଲି ଏସ୍ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0.5 ତ ଜି ଦେଲା 5% ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରପେନ୍ସିଟିରୁ ସେଭ୍ ଏସ୍ ଦେଇଛି 0.5 ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇନ୍ ହାରଡ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ନା ଏସ୍ ବାଇ ସି ହାରଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ରେ ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସ୍ ବାଇ ସି ହୁଏ ତ ଜିଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ଆଉ ଏଠି ଏସ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରପେନ୍ସିଟିରୁ ସେଭ୍ ଆଉ ସିଟା ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ରେସିଓ ତାହେଲେ ଜି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସ୍ ବାଇ ସି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାର୍ଜିନାଲ୍ ପ୍ରପେନ୍ସିଟିରୁ ସେଭ୍ ବାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ରେସିଓ
ताले हमरो कौन कौन डाटा गिभेन अच्छे आम देखेद आमर जी जीटा सी अलरेडी देजी जी इज इक्वल टू 5% ताले 5% इज इक्वल टू एस रो भी डाटा देजी मार्जिनल प्रोपेंस शुड सेव 0.5 बाय सी सीटा हूँ कैपिटल आउटपुट रेसीो तो सीटा आम बाहर करवा 5% इज इक्वल टू 0.5 बाय सी 5% मैंने कौन 5/100 5/100 इज इक्वल टू 0.5 बाय सी तेल ये आम वज्र गुणन करदे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये 5 × C इज इक्वल टू 100 × 0.5 C × 5 इज इक्वल टू 0.5 × 100 हो गला खाली C × 5 थी सी इज इक्वल टू के 0.5 × 100 बै 5 हो क्या मल्टीप्लाई होगी एपटे कौन हो डिड हो तो 500 काटिले 20×50 तेल 0.5 × 20 तो 0.5 × 20 मैंने 0.5 मैंने के 5/10 बा 1/2 तो 1/2 × 20 मैंने 2×10 10 आसो एनसर रईट अप्सन तो ये आम रईट अप्सन हो 73 रईट अप्सन 10 आसूँ तो ये मन रखा दरकार कौन गोटे फर्मुला मन रखे हार्वर्ड मॉडल रे ग्रोथ इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एस बै सी एसटा हूँ कौन ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव सीटा हूँ कैपिटल आउटपुट रेशियो तो जी इज इक्वल टू एस बाय सी यही फर्मुला मन रखे यही फर्मुला को मन रखे आराम से तार इक्वेशन जहाँ भी देखो सेटा सॉल्व करहब तेल 10 आसला आम कैपिटल आउटपुट रेशियो बस सी इज इक्वल टू तो ऑप्शन अच्छी 10 तो 73 राइट ऑप्शन हो 10 तापर 74 UNCTAD एटा डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी UNCTAD रो फुल फॉर्म कौन हम यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ट्रेड एड एंड डेवलपमेंट एटा तो नुहे यूनाइटेड नेशन कमिटीज ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट नुहे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एटा होची तारो राइट ऑप्शन कौन UNCTAD माने एटा जेतु इंटरनेशनल ट्रेड हो आसी तो ट्रेड रिलेटेड तो कांसेप्ट रहइबो कौन सेटा यूनाइटेड नेशन यूएन होची यूनाइटेड नेशन सी रे होची कॉन्फ्रेंस ऑन TD होची ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रेड एंड डेवलपमेंट तो यहाँ होता के इयरटा मन रखीदेव ये आम ये 1964 रे यहाँ आसला 1964 रे जोटार कि आम UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जार हेडक्वार्टर थिला जेनिवा स्विट्जरलैंड मैंने जेनिवा जा प्लेस रे स्विट्जरलैंड कंट्री रे थिला UNCTAD जोटा के एस्टाब्लीश है 1964 रे तो डाटा भी मन रख 75 क्वेश्चन को जीवा अच्छा आज ऑलरेडी घंटे पार हो गला बहुत लेंथी हो गला वीडियो तो हमें यहाँ लास्ट 75 रे कंप्लीट करवा नेक्स्ट पार्ट को आसवा ना मु 2021 मसीह क्वेश्चन टा 4टा पार्ट रे कंप्लीट हो गला 100टा क्वेश्चन थी 25-25 क्वेश्चन किंतु यार टाइम टेकिंग जाऊँच कहीं बेसी टी कन्सेप्चुआल क्वेश्चन गुड़िक रही मैथमेटिकाल भी रही तो डिटेल्स बुझे बुझे टाइम जाऊँच बट किसी प्रोब्लेम ना तो आम तो शिखुचे प्रोब्लेम आ कौन तो टाइम गले भी गोटे मानने कौन यूटिलाइज तो टाइम रो बेस्ट यूटिलाइज तो होचे ना तो चलतु 75 क्वेश्चन को देखा लास्ट क्वेश्चन लिवरस्टाइन्स क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस तो लिवरस्टाइन्स रो जो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस अच्छी ट्रीट्स पॉपुलेशन एज ए फैक्टर टू बी पॉपुलेशन टा कौन को टाइप रो फैक्टर इनकम जेनेटिंग इनकम डिप्रेसिंग इन्वेस्टमेंट इंड्यूसिंग मार्केट एक्सपेंडिंग तो पॉपुलेशन हूँ कौन ना पॉपुलेशन हेले आम जानचे कौन पॉपुलेशन हेले लोक मानाई आमर माने से माने तो इनकम को डिप्रेस करेंगे कहीं खाली का इंडिया रे जदि आम कह पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री हो वर्ल्ड रे पॉपुलेशन वाइज तो से लिवरस्टाइन कहते जे जिते डेवलप कंट्री रो देखिबो पॉपुलेशन कंट्रोल रही थी सेठी पॉपुलेशन कम किंतु माने एरिया अनुसार से डेवलप करथु डेवलप कंट्री आउ जोठी अंडर डेवलप कंट्रीज रे पॉपुलेशन ऊपर कंट्रोल रहउनी तो लिवरस्टाइन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस अनुसार से कहतले जो पॉपुलेशन टा होची कोन ना इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर जे पॉपुलेशन टा होची इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर आउ इनकम जेनेरेटिंग टा कोन ना इन्वेस्टमेंट हला इन्वेस्टमेंट हेले सेटा इनकम जेनेरेट करिवो आ जते लोक संख्या बढ़िबे से इनकम को डिप्रेस करिवो काई ना इनकम टा तो तांकर ये रे खर्च हो जिवो ना तो इनकम डिप्रेसिंग फैक्टर होची पॉपुलेशन आ इनकम जेनेरेटिंग फैक्टर होची इन्वेस्टमेंट एटा पचारिनी हुए तो नेक्स्ट इयर रे पचारि पारे तो कांसेप्ट गुडी को डिटेल्स रे बुझबा दरकार तो इनकम जेनेरेटिंग होची इन्वेस्टमेंट इनकम डिप्रेसिंग होची पॉपुलेशन जोटा कि लिवरस्टाइन रो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थेसिस रे से कहिथिले तो 75 राइट ऑप्शन है जीवो बी
तो आज आम डिस्कस करदे 75% क्वेश्चन आउ जहाँ रहा नेक्स्ट आउ गोटे गोटे वीडियो रे हो जाए कि दुटा देखा के गोटे दुटा क्लास कम्प्लीट हो 2016 कम्प्लीट करदे आम जहाँ भी रहा कनसेप्ट सब कम्प्लीट करवा जो मैंने चैनल को नुआ आसुच सब्सक्राइब कर दि आने कौन सजेसन देवाई चाहूँ केमती भिड लगुच कौन करुच्छे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बहुत पिला डाउट भी क्लीअर करुले हाँ आउ गोटे कथा कहीदे मैंने जो प्रथमे माइक्रो इकोनॉमिक्स किंवा माक्रो रे आमर सब सीरीज प्रैक्टिस करौथले तो एटा कौन माने डायरेक्ट वीडियो रेकॉर्डिंग होची तो एठी जेतले क्वेश्चन डिस्कस करले हुए तो को क्वेश्चन ले गोटे दिटा रे ऑप्शन रे एपर सेपटे हि जाई पारे क्वेश्चन रे आंसर मु भी भूल दे थई पारे मु भी कोनी जे मु 100% पूरा सबुर आंसर ठीक देछि गोटे दिटा क्वेश्चन कोटा भी भूल हि जाई पारे पिला माने भी मु कहिसि फ्रीली से माने कमेंट करिसेंदी माने गोटे दिटा क्वेश्चन रो भूल आंसर थिला ताको मु रेक्टिफाई करिसि कमेंट रे भी ताको पिन कर देछि आ फर्स्ट रे ही तमे कमेंट रे देखि परबो जदि भी किछि क्वेश्चन रो आंसर भूल थिबो ताले सेटा फर्स्ट रे कमेंट रो फर्स्ट कमेंट रे देखिबो जदि किछि भूल थिबो ताले तारो करेक्ट ऑप्शन टा कोन होबो मु ऑलरेडी सेटी लिखि देछि आ जो माने भी किछि डाउट पचारछन जे एटा कोन होबो सेटा कोन होबो मु तारो एक्सप्लेनेशन सहित ताको सॉल्व करिया पय ट्राई करछु जेमदि कि काहे किछि डाउट रहइबो नै तो सिमिति माने बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस कले कहीं कनसेप्ट समस्त माइंड में सब किसी जिन गुटा एक फिट है कि ना कि इकोनॉमिक्सटा गोटे भास्ट एरिया तो सब जिनटा सांगे सांग माइंड रे हुए तो से टाइम रे तार कनसेप्टा को अलग टाइप रे चिंता करके आंसरटा दे तार आंसर अलग हो जाए तो से गोटे दुटा क्वेश्चन कौटी कौन भूल हो जाए मुझे कहूनी जो 100% मुझे करेक्ट अच्छी तो मुझे ट्राए करुच्ची जो करेक्ट करवाई जो जदि भी भूल हो आराम से तुम तार डाउटा को पचारिपार तो मुझे आउ थे रेक्टिफाई करी जे देखी तार एक्जाक्ट आंसरटा से ना जदि भूल थी तेल मुझे रईट करेक्शन करके तार कमेंट सेक्शन में कमेंट करदेवि जे क्वेश्चन रनसरटा भूल अच्छी तो तार रईट अप्सन हम या तो ठीक अच्छे किसी असुविधा ना सेमती हुए गोटे दुटा क्वेश्चन में तो आम नेक्स्ट भिडर आउ गोटे भिडर देखा तो आज तो बहुत टाइम हो गला तो थैंक यू जय जगन्नाथ।